समाचार क्यारी हिंदी न्यूज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सभी प्रकार के डेली अपडेट्स पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ की अध्यक्षता में सर्जिकल स्ट्राइक दिवस मुख्य कार्यक्रम का झज्जर के राजकीय नेहरू कॉलेज सभागार में आयोजन किया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने देश के लिए विभिन्न लड़ाइयों में अपना पराक्रम दिखा चुके पूर्व सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि देश की सीमा पर अपने जवान दुश्मन के खून से होली तथा अपनी बंदूक की गोली व बम के धमाकों से अपनी दिवाली मनाते हैं। कष्टदायक परिस्थितियों में भारतीय सेना की वीरता की बदौलत ही हम अपने घरों में चैन की नींद तथा खुली हवा में सांस ले पाते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक दिवस कार्यक्रम एवं बीजेपी के पूर्व सैनिक प्राकोष्ठ के संयोजक कर्नल राजेंद्र सिंह सुहाग ने मुख्यमंत्री को सैनिक परिवारों की ओर से हैट पहनाकर शक्ति का प्रतीक तलवार भी भेंट की। इस अवसर पर भारतीय सेना के ब्रिगेडियर जेएस सान्याल के नेतृत्व में आई टुकड़ी ने विशेष प्रदर्शनी का भी आयोजन किया। श्री मनोहर लाल ने देश की रक्षा एकता व अखंडता को बनाए रखने के लिए सैनिकों के योगदान को नमन करते हुए भारत के नागरिकों के जीवन की खुशहाली में सेना के योगदान को कुछ पंक्तियां समर्पित की। उनके हौसले का भुगतान क्या करेगा कोई, उनकी शहादत का कर्ज देश पर उधार है। आप और हम इसलिए खुशहाल हैं क्योंकि सीमा पर सैनिक शहादत को तैयार है। मुख्यमंत्री की इन पंक्तियों ने कार्यक्रम के माहौल को पूरी तरह देशभक्तिमय बना दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में क्षेत्रफल का हम केवल 1.3%, आबादी में महज 2%, लेकिन सेना में हमारी हिस्सेदारी 10-11% है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में पूर्व सैनिकों के करीब 19 लाख परिवार हैं। इन परिवारों के कल्याण व सम्मान के लिए राज्य सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हरियाणा सरकार ने शहीदों के 225 आश्रितों को सरकारी नौकरी देने, शहीदों की अनुग्रह राशि को 20 लाख से बढ़ाकर 50 लाख करने तथा पूर्व सैनिकों के कल्याण को देखते हुए सैनिक बोर्ड को अलग विभाग व मंत्रालय का दर्जा देने आदि का कार्य किया है। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने विकास एवं पंचायत मंत्री होने के नाते गर्व के साथ यह बात भी बताई कि जिन सैनिकों का रक्त व पसीना देश की मिट्टी के लिए काम आया है, उनके स्मारक गांव में ही सरकारी खर्च पर बनाए जाएंगे तथा शहीदों की परंपरा को पब्लिक डोमेन में लाने के लिए गाँव के हर शहीद का नाम गाँव के ग्राम गौरव पट पर लिखवाया जा रहा है। उपायुक्त सोनल गोयल ने भी कार्यक्रम के आयोजन के लिए सैनिकों की धरती झज्जर का चयन करने पर मुख्यमंत्री का आभार जताया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में शौर्य पुरस्कारों से सम्मानित सैनिकों को शॉल उड़ाकर व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। मंच पर अतिथिगण के साथ भाजपा के जिला अध्यक्ष बिजेंद्र दलाल, भाजपा नेता विक्रम कादियान, जिला परिषद के उपाध्यक्ष योगेश सिलानी आदि के साथ साथ जिला प्रशासन की ओर से उपायुक्त व पुलिस अधीक्षक पंकज नैन भी उपस्थित रहे।